हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस, जो आपके लिए लेकर आता है हर दिन नए नए वीडियोस, कभी गेट मैथ्स के लिए, कभी ट्वेल्थ मैथ्स के लिए, कभी इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए। सो मैथमेटिक्स के आपको अलग अलग वीडियो वेराइटी आपको मिल जाएंगे, कभी एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको, जो जेईई के वगैरह एमसीक्यूज होते हैं। तो आज हम एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोस्तों। सो किस पे वो टॉपिक, कौन सा टॉपिक है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे दो क्वेश्चन लेंगे हम, एनसीईआरटी के हैं। ओके, एनसीईआरटी का बुक तो आपको पता है, चलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मैजिक शुरू करते हैं अपना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन का आंसर, चार ऑप्शन दिए वाले होंगे, उसमें से कौन सा आएगा वो हमें बताना है यहां पर। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। सो यहां पर आर इज इक्वल टू जो दिया हुआ है ही अवेलेबल। अब बस देखो, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट कर देना। शॉर्टकट ये करना है आपने, ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर, इसको बोला जाएगा व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स। क्या बोला जाएगा इसको? व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, दोनों का डिनोमिनेटर इधर का ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट जाएगा। ओके, सो इसको नाम देंगे इक्वेशन थ्री। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर गेट्स कैंसल, न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। ओके, सो ए के लिए बी का फैक्टर जीरो बनाते, दैट इज पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री। सो वन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट वन माइनस टू प्लस जीरो। जीरो कैसा है? वन माइनस वन जीरो, इंटू बी जीरो। सो देयर फॉर वन इज इक्वल टू माइनस ए, देयर फॉर ए इज इक्वल टू माइनस वन। थोड़ा सा डायरेक्ट करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके अलावा बी के लिए ए का फैक्टर जीरो बनाए, ए के लिए बी को जीरो बनाओ, बी के लिए ए को जीरो बनाओ। सो पुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन थ्री। सो टू इज इक्वल टू जीरो प्लस बी इंटू टू माइनस वन, देयर फॉर बी इज इक्वल टू टू। ओके, सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू, पुट वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी इन इक्वेशन टू, देयर फॉर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, देयर फॉर इंटीग्रेशन। इसकी जगह डायरेक्टली ये ले लेंगे अपन, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू डीएक्स। सिंस ये इसको नाम देंगे इक्वेशन फोर, इसको क्या नाम देंगे? इक्वेशन फोर। सिंस इक्वेशन फोर, ये पूरा इक्वेशन नंबर वन चेंज हो रहा है, इसकी जगह इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम पुट कर रहे हैं यहां पे, इसकी जगह इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ रहे हैं। लगा तो यहां पे लिख देंगे अपन, इक्वेशन वन चेंजेस एज। जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली करना है, मैं आपको एलाबोरेट करके बता रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। ओके, रूल तो आपको मालूम है, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सी, दो सामने का पावर में गया और वो पहले लिखेंगे माइनस बाद में। सो लॉग ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। एक्चुअली एक रूल होता है दोस्तों, इंटीग्रल वन अपॉन एक्स माइनस ए डीएक्स, यहां पर दोनों भी जगह पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल लगा है वो है लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इधर प्लस आया तो एक्स प्लस है, माइनस आया तो माइनस है, एन लॉग एम। क्या होता है? लॉग एम टू द पावर एन। सो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। देखो आंसर, लॉग ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा आया दोस्तों? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
तो ये आपका पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज एमसीक्यू ऑन पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अच्छे से समझ लेना, एक एक स्टेप बताया है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, यहाँ पे दोनों भी लीनियर फैक्टर है, सॉल्व किया a और b निकाला, वैल्यू पुट किया, इक्वेशन वन चेंज हुआ, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट हुआ, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, लॉग m, हाँ यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n लॉग ऑफ m बाय n। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है दोस्तों, उसके ऑप्शंस तो नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ लो कि चार ऑप्शन दिया ले हैं। क्वेश्चन इवैल्यूएट इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, इसके कंसीडर कर लो, वो चार ऑप्शन दिया ले है a b c और d, अभी मैंने लिखा नहीं है वो, ये देख लो अच्छे से, पहला भी जो पढ़ाया लिख के ले लेना, ओके। ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है बट इसके ऑप्शन नहीं लिखता मैं अभी, फिर से जाओ बुक लाओ फिर वीडियो इंटरप्ट हो जाएगा। सो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, चलो क्वेश्चन तो लिखा था ना मैंने पहले से, क्वेश्चन लिख के रखा था कि मुझे आज दो क्वेश्चन पढ़ाने हैं, यस। इसको बोलते एक्स को बोलते एल एफ और इसको बोलते आई क्यू एफ, ये कल के टाइप से भी आप कर सकते बट आज हम इसको शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ए अपॉन लीनियर फैक्टर यानी एक्स, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स होल अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिनोमिनेटर गेट्स कैंसल, वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। देखो दोस्तों यहां पे हम यूज करेंगे मेथड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ओके बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, सो वन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, इसको बोला जाता है मेथड ऑफ इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट्स। सो वन को मैं लिखता जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन, ताकि आपको कंपेयरिंग समझ में आए। ये एक्स स्क्वायर का टर्म कोएफिशिएंट, ये एक्स का कोएफिशिएंट और ये नंबर सीधा, जीरो इंटू किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना दोस्तों, ओके यस। ये शॉर्टकट मेथड है ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट वी गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉमा जीरो इज इक्वल टू सी मीन्स सी इज इक्वल टू जीरो एंड फाइनली ए इज इक्वल टू वन। इट इंप्लाइज ए की जगह अगर वन रखा तो वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, देयर फोर बी इज इक्वल टू माइनस वन। बी बड़ा बुरा लिखा है यार सर तुमने, जरा प्यार से लिख दो, यस हाँ। तो चलो रख देंगे वैल्यू किधर रे भाऊ, उठा इट्स वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन टू, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ए ए ए ए इज वन बी माइनस वन एक्स, सी जीरो है नहीं लिखा तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, हाँ अभी इक्वेशन वन चेंज हो रहा है, इक्वेशन वन चेंजेस है डायरेक्टली, वन बाय एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, यस। देखो
आई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस दो लिया दो दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, एडजस्टमेंट किया, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय टू किया। ये रूल मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। आई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का लॉग एक्स माइनस 1 बाय टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी। रूल मैं आपको साइड में लिख के देता हूं, देखो फ्रेम में आ रहे ना। यस फॉर्मूला हो फॉर्मूला इंटीग्रल इंटीग्रल 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटीग्रल 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स और ये एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स हाँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने के बाद अगर न्यूमरेटर मिल जाता है, जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पक्का डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव दैट इज आंसर इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर उस केस में आता है। तो अच्छे से देख लेने यहाँ पे कंपेयर वाला मेथड यूज किया गया है या फिर अपना कल का जो मेथड है इसको एंटी करप्शन ब्यूरो उसी टाइप से भी आप कर सकते हो बट उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट चेंज हो जाएगा। देखो एक एक स्टेप ऐसे आपको चार ऑप्शन दिया रहेंगे कोई भी और उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कोई डाउट नहीं। ओके तो प्यारे दोस्तों ये आपकी तरह प्यारे क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के बुक में से लिए गए हैं। ओके चलेगा तो टेंशन मत लो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो और एक्टिव के साथ रहो चलेगा। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में बट याद रहे नोटबुक और पेन लेकर आपने बैठना है अपने वीडियो देखने के लिए और नोट डाउन करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए और टफ टॉपिक जो इंटीग्रेशन है वो आपको अच्छे से समझे। ओके सो बाद में अपन प्लेलिस्ट भी बना देंगे चैनल पे सीक्वेंस वाइज पूरा लेक्चर नंबर 1 2 3 4 उस हिसाब से इंटीग्रेशन का करेंगे डोंट वरी चलेगा। थैंक यू।